अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ मैं आपका होस्ट मोहम्मद जैन। आप देख रहे हैं ZA न्यूज़। दोस्तों, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहली बार PSL 4 टाइटल जीत लिया। जलमी को 8 विकेटों से शिकस्त। शेन वॉटसन टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाज करार पाए। हसन अली बेहतरीन बॉलर। कराची किंग के उमर खान एमरजेंसी प्लेयर का अवार्ड ले उड़े। दोस्तों, PSL सीजन 4 के फाइनल मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर जलमी को 8 विकेटों से बआसानी शिकस्त देकर PSL 4 का टाइटल पहली मर्तबा अपने नाम कर लिया। दोस्तों, हसनैन को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 139 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अहमद शहजाद ने शानदार निफ सेंचुरी स्कोर की। दोस्तों, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पहली विकेट 19 रन पर गिरी, जब शेन वॉटसन 7 रन बनाकर उमर अमीन के हाथों रन आउट हुए। दोस्तों, अहसन अली ने 25 रन की इनिंग खेली। दोस्तों, अहमद शहजाद 59 और रानी रसोआ ने 29 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग खेली। दोस्तों, पेशावर जलमी के वहाब रियाज ने ए विकेट हासिल की। PSL सीजन 4 में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले हसन अली फाइनल मैच में कोई विकेट ना ले सके। दोस्तों, कबज कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले फाइनल मैच में जलमी ने 8 विकेटों के नुकसान पर 138 रन बनाए और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 139 रन का हदफ दिया। दोस्तों, जलमी की पहली विकेट 4 रन पर गिरी, जब अमामुल हक 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 262 रन के मजमू स्कोर पर कामरान अकमल 21 रन बनाकर मोहम्मद नवाज की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। 200 सोहेब मकसूद 20 रन बनाकर ब्रावो का निशान बने। उमर अमीन ने 38 रन की इनिंग खेली। पुलाड को 7 रन पर मोहम्मद हसनैन ने सरफराज के हाथों कैच आउट कराया। दोस्तों, कप्तान डैनियल समी 18 रन बनाकर आउट हुए। इन्हें डेजे ब्रावो ने आउट किया। दोस्तों, वहाब रियाज 12 रन बनाकर रन आउट हुए। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन रवाना किया। दोस्तों, डैनियल ब्रावो ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज और फवाद आलम ने 1-1 विकेट हासिल की। दोस्तों, कबजर फाइनल मैच में सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पेशावर जलमी को पहले बैटिंग की दावत दी। दोस्तों, दोनों टीमों में कोई तब्दीली नहीं की गई। सरफराज अहमद ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और यहाँ के लोग क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, मदाहों का शुक्र गुजार हूँ कि वो ग्राउंड में आए और सपोर्ट किया। दोस्तों, सरफराज अहमद का कहना था कि कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द जलमी की विकेटें हासिल करें, जबकि डैनियल समी का कहना था कि इस विकेट पर 180 रन का टारगेट बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, वादे रहे कि क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम 3 बार फाइनल में पहुंच चुकी है और टाइटल से महरूम रही, जबकि पेशावर जलमी की टीम भी 3 मरतबा ही फाइनल खेल चुकी है और 1 बार ट्रॉफी अपने नाम की। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मजीद खबरों तक फौरी रसाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।